अपने मनपसंद सीरियल्स देखने के लिए अल्ट्रा टीवी सीरीज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। हम शायद आलमपनाह को तसव्वुर की दुनिया से बाहर खींच लाए हैं। हमने कोई गुस्ताखी तो नहीं की आलमपनाह? नहीं महिमंगा, इंसान को रहना तो हकीकत की दुनिया में पड़ता है, लेकिन तसव्वुर की दुनिया तो एक फरेब है। फरेब लाख सही, लेकिन उसके हुस्न से इनकार नहीं किया जा सकता। क्या मतलब? क्या सलीमा बेगम के शेरों के हुस्न से इनकार किया जा सकता है? नहीं, वो तो ख्यालों में बसा लेने के काबिल है। और उनकी आवाज का जादू? वो दिल में रख लेने के काबिल। और उनका खूबसूरत चेहरा और उनकी दिलफरेब अदाएं? वो भी ख्यालों और निगाहों में बसा लेने के काबिल है। सलीमा बेगम से सिर्फ एक ही गलती हुई है, उन्होंने अपने हुस्न का जलवा आम कर दिया है। क्या मतलब? हमारे शहंशाह की तरह उनका हुस्न देखकर और भी कई आंखों में ख्वाब जाग पड़े हैं। आपका इशारा किसकी तरफ है? आपके अतालीख बैरम खान की तरफ। सलीमा बेगम के हुस्न ने बैरम खान को अपनी उम्र का एहसास भुला दिया है। उनकी शेरो शायरी ने बैरम खान को ख्वाबों की दुनिया में पहुंचा दिया है। बैरम खान सलीमा बेगम की जुल्फों के कैदी हो चुके हैं और उनकी मोहब्बत के दीवाने भी। काश हमें सब पहले मालूम हो जाता तो वो ना होता जो हुआ है। कुछ नहीं हुआ है आलमपना, होगा तो वही जो आप चाहेंगे, और हमें मालूम है कि आप क्या चाहते हैं। बैरम खान को इस तरह अपने शहंशाह के ख्वाबों को छीन लेने का कोई हक नहीं, और अकबर को भी अपने उस शफीक और बुजुर्ग की खुशियां छीनने का भी कोई हक नहीं, जिसकी सारी जिंदगी खानदानी मुगल की कुर्बानियों की एक लाफानी दास्तान है। उनकी खुशियां अकबर के गम से कहीं ज्यादा अजीम हैं। खान बाबा जिसे चाहते हैं उसकी मोहब्बत सिर्फ उन्हीं का हक है। हम अपने हाथों से सलीमा बेगम का हाथ अपने खान बाबा के हाथ में देंगे। फूल मुरझा चुके हैं शहजादे सलीमा सुल्तान, और मुरझाए हुए फूल कभी ताजा नहीं हुआ करते, बल्कि उनकी पत्तियां बिखर जाया करती हैं। फूल मुरझा भी जाए तो भी उसकी खुशबू नहीं मरा करती आलमपनाह, और इस गुलाब की खुशबू
तो हमें अब तक मदहोश किए हुए हैं। और हम आपसे ये कहें कि आप इस मदहोशी के दायरे से बाहर निकल आए तो? या क्या फरमा रहे हैं आलमपना? कभी कभी इंसान हालात के आगे बिल्कुल मजबूर हो जाता है। हमें मालूम नहीं था कि हमारे खान बाबा पहले ही आपको पसंद फरमा चुके हैं। क्या एक अजीम मुशान बादशाह अपनी कमजोरी का ऐलान कर रहा है? नहीं, एक एहसान मंद इंसान अपनी मजबूरियों का इजहार कर रहा है। खान बाबा के हम पर इतना एहसान है कि वो हमसे कुछ भी मांग सकते हैं और हम उन्हें कुछ भी दे सकते हैं। किसी और की खुशियां भी, किसी और की मोहब्बत भी। मोहब्बत खुद गर्ज नहीं सिखाती शहजादी, मोहब्बत कुर्बानी का दूसरा नाम है और शायद तकदीर का यही फैसला है। और आलमपना का फैसला? तकदीर का हर फैसला इंसान की मर्जी पूछकर नहीं होता। तकदीर के हर फैसले के आगे इंसान को सर झुकाना ही पड़ता है। अकबर ने सिर्फ कुर्बानी ही नहीं दी थी बल्कि अपने हाथों से अपनी मोहब्बत बैरम खान के हवाले कर दी। नौजवान दिल की बेलौस कुर्बानी की ऐसी अनोखी दास्तान दुनिया ने कम ही सुनी होगी। आपकी तारीफ। हमारा नाम अब्दुल रहीम है। आप बहुत अच्छा नाचते हैं। ये नाच आपने किससे सीखा? ये नाच हमने उस्ताद पंडित हरिदास मथुरा वालों से सीखा है। जब हमारे यहाँ नया मेहमान आता है ये नाच हम पेश करके उसका खैर मकदम करते हैं। आपके गले में ये खूबसूरत चीज क्या है? शेर का नाखून है। बहुत खूबसूरत है, किसने दिया आपको? हमारी अम्मी हुजूर ने। अच्छा, आपकी अम्मी हुजूर कहाँ है बेटे? वो तो अल्लाह मियाँ के पास चली गई। आपको हमारा हार अच्छा लगा? बहुत अच्छा है आपका हार। फिर इसे आप पहन लो, आपको किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी। कौन है आपके अब्बा हुजूर? क्या नाम है उनका? ये हमारी आंखों का तारा अब्दुल रहीम है बेगम। ये बहुत छोटा सा था जब इसकी माँ अल्लाह को प्यारी हो गई। माँ की ममता से महरूम इस बच्चे ने शायद आप में अपनी माँ को तलाश कर लिया है। आज हमको यकीन हो गया बेगम कि कुदरत ने न सिर्फ हमें खूबसूरत बीवी अता की है बल्कि हमारे रहीम को एक मेहरबान और मोहब्बत करने वाली मां भी अता की है। अम्मी जान, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। काबुल से एक खानदान मेहमान खाने में आकर ठहरा है। वो लोग अपने आप को आलमपना का रिश्तेदार बताते हैं और उनसे मिलने के ख्वाहिशमंद भी हैं। आलमपना के रिश्तेदार? क्या नाम है उनका? अब्दुल्ला मुगल। वो यहाँ पर अपनी बेटी और अपनी बीवी के साथ तशरीफ लाए हैं। अब्दुल्ला मुगल, सुल्तान कामरान के गुनाहों का शरीके कार? उस बेगैरत की यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? कौन है ये अब्दुल्ला मुगल? गरज का बंदा, दौलत का पुजारी। ये वो बदनीयत और फितरती शख्स है जिसकी लगाई हुई आग ने सुल्तान कामरान को जला डाला। अगर ये शख्स यहाँ रुक गया
तो आए दिन आगरे में नए नए फितने हुआ करेंगे और हम इसे किसी भी सूरत में यहां रुकने नहीं देंगे। खाना और खान बेगम की खिदमत में अब्दुल्ला मुगल, उनकी बीवी और साहबजादी राबिया खातून ने यह तोहफा भेजा है जो आज ही काबुल से तशरीफ लाए हैं। इस शख्स की यहाँ आने और हमें तोहफा भेजने की जुर्रत कैसे हुई? ये अब्दुल्ला मुगल कौन है जिनका नाम सुनते ही खाने खाना को जलाल आ गया? अब्दुल्ला मुगल सुल्तान कामरान की एक बेगम का भाई है। ये वो बदकार शख्स है जिसने सुल्तान कामरान से मिलकर मरहूम शाह हुमायूं और हमारे आलमपनाह को तकलीफ पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खाने खाना और खान बेगम की खिदमत में अब्दुल्ला मुगल, उनकी बीवी और साहबजादी राबिया खातून ने यह तोहफा भेजा है जो आज ही काबुल से तशरीफ लाए हैं। इस शख्स की यहाँ आने और हमें तोहफा भेजने की जुर्रत कैसे हुई? ये अब्दुल्ला मुगल कौन है जिनका नाम सुनते ही खाने खाना को जलाल आ गया? अब्दुल्ला मुगल सुल्तान कामरान की एक बेगम का भाई है। ये वो बदकार शख्स है जिसने सुल्तान कामरान से मिलकर मरहूम शाह हुमायूं और हमारे आलमपनाह को तकलीफ पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस शख्स का तोहफा कबूल करना अपने मालिकों के साथ नमक हरामी करने के बराबर है। इस तोहफे को ले जाकर उस शख्स के मुंह पर मार देना और उससे कह देना कि कल सुबह का सूरज निकलने से पहले यहां से दूर चला जाए, वरना कल रात के अंधेरे मौत बनकर उसे अपने आगोश में समेट लेंगे। ले जाओ इसे हमारी निगाहों के सामने से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हारी यहाँ आने की जुर्रत कैसे हुई अब्दुल्ला मुगल? क्या तुम भूल गए कि तुम्हारी लगाई हुई आग ने सुल्तान कामरान को जला डाला? काबुल की मजलूम आवाम की हाय तुम्हारे पीछे मौत बनकर पड़ी है अब्दुल्ला मुगल, और तुम पनाह की तलाश में दर दर भटक रहे हो, लेकिन तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तुम्हारे गुनाहों की फहरिस्त बहुत लंबी है अब्दुल्ला मुगल। जमाना तुम्हें भले ही माफ कर दे, लेकिन हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। हम अपने किए पर पशिमान और अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हैं माहे मंगा। हमें एहसास है कि हमने सुल्तान कामरान का साथ देकर बहुत बड़ी गलती की, लेकिन माहे मंगा खताएं इंसान से ही होती हैं और आली जर्फ लोग उन्हें माफ कर देते हैं। हम आलमपना के कदमों में अपना सर रखकर अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहते हैं माह मंगा। इसके लिए हमें आपकी मदद दरकार है। मदद? और हमसे? हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं अब्दुल्ला मुगल? खाने खाना ने आपका नाम सुनते ही ना सिर्फ आपका तोहफा लटा दिया है बल्कि गुस्से से बेकाबू हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि अब्दुल्ला मुगल से कह देना कल सुबह का सूरज निकलने से पहले ही इस शहर से दूर चले जाएं, वरना कल रात के अंधेरे मौत बनकर तुम्हें अपने आगोश में समेट लेंगे। हमने तो पहले ही आपको यहाँ आने से मना किया था, लेकिन आपने हमारी एक न सुनी। इससे पहले कि यहाँ की जमीन हमारे लिए तंग हो जाए हम यहाँ से निकल चलते हैं। नहीं नहीं, अब आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, आप लोग यहीं रहेंगे। आखिर बैरम खान कौन होते हैं आप लोगों को हुक्म देने वाले? और फिर आपने सही फरमाया था कि गलतियां सिर्फ इंसान ही करते हैं, और
उन्हें माफी इंसान ही करते हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि बैरम खान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और फिर हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी मुलाकात आलमपना से करा दें, और हो सकता है कि वो आपकी खताओं को माफ भी कर दे। लेकिन महिमंगा, बैरम खान, आप इत्मीनान रखें, जब तक माहिम मौजूद है आपको कोई कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आखिर आप हमारे आलमपना के रिश्तेदार जो हैं। हम ता जिंदगी आपके एहसानमंद रहेंगे। तो है तीरंदाजी की मश के लिए क्या आपको यही जगह मिली थी जो आप शाही बाग में चले आए? क्या आपको इतना भी नहीं मालूम कि शाही बाग सैरो तफरी के लिए होता है, तीरंदाजी के लिए नहीं? अगर आपको तीर चलाने का इतना ही शौक है तो किसी मैदान में जाइए। खुदा ने आपको शक्ल जरूर अच्छी दी है पर अक्ल भी नहीं। यकीनन हमसे बहुत बड़ी खता हुई है और हम अपनी इस खता पर शर्मिंदा भी हैं और आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं। खुदा रहा हमें माफ कर दीजिए, वाकई हमें शाही इलाके में नहीं आना चाहिए था। जरा अपना जख्म तो दिखाइए, आपके हाथ से तो खून बह रहा है। खबरदार, अगर हमें छुआ तो आप जानते नहीं कि हम कौन हैं। अब्दुल्ला मुगल की साहबजादी हैं हम और शहंशाह के रिश्तेदार भी। अगर हमने आपकी शिकायत आलमपना से कर दी तो आप जानते हैं क्या हो सकता है। खुदा का शुक्र है कि हम बाल बाल बच गए। अगर आपका तीर हमें कहीं और लग जाता तो बखुदा हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते। बस आपसे एक इल्तिजा है कि आप हमारी शिकायत आलमपना से ना करें। क्यों ना करें, हम तो जरूर करेंगे, ताकि आपको अपनी गुस्ताखी की सजा जरूर मिले और आइंदा आप ऐसी गलती कभी ना करें। ये अब्दुल्ला मुगल कौन है? अब्दुल्ला मुगल सुल्तान कामरान की बेगम के भाई हैं और सुल्तान कामरान के साथी भी थे, लेकिन आज वो अपनी गलतियों पर शर्मिंदा हैं और आपसे माफी के लिए तलबगार हैं। वो आपसे माफी मांगने के लिए काबुल से अपनी बीवी और अपनी साहबजादी के साथ यहाँ आगरा आए हुए हैं और आपसे मिलने के लिए बेकरार हैं। हम उनसे जरूर मुलाकात करेंगे महिमंगा। सुबह का बोला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन इससे पहले हम उनकी बेटी राबिया खातून से मिलना चाहेंगे। सुना है किसी गुस्ताख ने उनके साथ बदजबानी की और वो उसकी शिकायत लेकर मां बदौलत से मिलना चाहती हैं। हम उस गुस्ताख को उनकी मर्जी के मुताबिक सजा देना चाहेंगे, उनको हमारे हुजूर में पेश किया जाए। अरे तो अमीजान, क्या बात है अमीजान? अब तुम्हारी हिम्मत इस कदर बढ़ गई कि तुम महल की ख्वातीन के साथ भी छेड़छाड़ करने लगे हो। अब कहना क्या चाहते हैं अमीजान? यकीनन ये गुस्ताखी तुम्हारे अलावा कोई कर ही नहीं सकता। तुम्हारी बिगड़ती हुई आदतों और रंगीन मिजाजियों के किस्से हमें भी मालूम है आदम। तुमने ही जरूर राबिया खातून से छेड़छाड़ की होगी, इस बात की खबर आलमपना तक पहुँच गयी है।
राबिया खातून? कौन राबिया खातून? अब्दुल्ला मुगल की बेटी जो काबुल से आई है। बाखुदा अमीजान, हमने तो उन्हें आज तक देखा ही नहीं है, मगर सुना जरूर। आदम, आदम, अरे तो अमीजान, क्या बात है अमीजान? अब तुम्हारी हिम्मत इस कदर बढ़ गई कि तुम महल की ख्वातीन के साथ भी छेड़छाड़ करने लगे हो। अब कहना क्या चाहते हैं अमीजान? यकीनन ये गुस्ताखी तुम्हारे अलावा कोई कर ही नहीं सकता। तुम्हारी बिगड़ती हुई आदतों और रंगीन मिजाजियों के किस्से हमें भी मालूम है आदम। तुमने ही जरूर राबिया खातून से छेड़छाड़ की होगी। इस बात की खबर आलमपना तक पहुँच गयी है। राबिया खातून? कौन राबिया खातून? अब्दुल्ला मुगल की बेटी जो काबुल से आई है। बाखुदा अमीजान, हमने तो उन्हें आज तक देखा ही नहीं है, मगर सुना जरूर है कि वो बेहद खूबसूरत है। ये तो अभी मालूम हो जाएगा कि उन्हें किसने छेड़ा है। आलमपना ने राबिया को तलब फरमाया है ताकि उन्हें उस गुस्ताख का नाम मालूम हो सके जिसने उन्हें छेड़ने की जुर्रत की। भरे खुदा, करे कोई, भरे कोई। आलमपना से कब मुलाकात होगी ये खुदा ही जाने। शाही महल से एक खातून तशरीफ लाई है, भेज दो। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए माही मंगा। जी शुक्रिया। सुनने में आया है कि कल किसी गुस्ताख ने आपकी बेटी राबिया के साथ गुस्ताखी करने की जुर्रत की थी। क्या आप राबिया को बुलाएंगी? हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो गुस्ताख कौन है। हाँ, कल राबिया का बाजू जख्मी हो गया था। जब हमने पूछा तो उसने कहा कोई अनाड़ी तीरंदाजी की मशक कर रहा था और उसी तीरंदाज ने उसको जख्मी कर दिया। राबिया, बेटी राबिया। बेटी, ये माही मंगा है। आदाब, तस्लीम, माशाल्लाह, खुदा नजरे बद से बचाए। आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है। बेटी, कौन था वो गुस्ताख जिसके तीर ने आपको जख्मी कर दिया? हम तो उन्हें नहीं पहचानते। कल जब हम शाही बाग में सैर कर रहे थे कि अचानक एक तीर आकर हमारे बाजू पर लगा और वो दौड़ते हुए हमारे पास आए। और वो देखने में कैसा था? अच्छी शक्ल सूरत ही तो सब कुछ नहीं हुआ करती ना माही मंगा। अकल भी तो कोई चीज होती है, और शाही बाग में तीरंदाजी की मश करने वाला कितना बड़ा अकलमंद होगा ये तो आप खुद ही समझ सकती हैं। हाँ, हम आपको इतना बता सकते हैं कि उनके लंबे लंबे बाल थे और उनके नाक के पास एक मसा भी था।